प्रदेश के विश्वविद्यालय की शीतकालीन परीक्षा के संबंध में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कहा है कि सरकार ने विश्वविद्यालय को यह तय करने के अधिकार दे रखे हैं कि उन्हें किस प्रकार अपने विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी है। सामंत के जनता दरबार में एक छात्र ने भविष्य में ऑनलाइन मोड में ही परीक्षा लेने की मांग पर सामंत ने कहा कि विश्वविद्यालय को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में परीक्षा लेने के विकल्प दिए गए हैं। ऑनलाइन परीक्षा की गुणवत्ता पर पूछे प्रश्न पर उन्होंने जवाब दिया कि राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय को ऑनलाइन परीक्षा में नकल रोकने के लिए प्रोक्रेन के आदेश दिए थे, जिसे कई विश्वविद्यालय ने सफलतापूर्वक लागू किया है, लेकिन कुछ विश्वविद्यालय नहीं कर सके। सामंत ने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा कोरोना काल का एक अस्थायी विकल्प है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों और शिक्षा संस्थानों के बीच संवाद स्थापित करना था। कोरोना एक दिन जरूर समाप्त होगा, जिसके बाद पहले की तरह पेन पेपर मोड में परीक्षा होगी, लेकिन फिलहाल शीतकालीन परीक्षा कैसे देनी है यह विश्वविद्यालय तय करे। गोंडवाना विद्यापीठ, गढ़चिरौली, कवि कालिदास विद्यापीठ, रामटेक आणि आपलं विद्यापीठ, या तिन्ही ठिकाणी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचं मंत्रालय या संबंधित विभागाच्या प्रत्येक घटकाला न्याय देण्यासाठी या परिसरामध्ये आम्ही सगळेच उपस्थित होतो। माझ्याबरोबर माझ्या डिपार्टमेंटचे सगळे अधिकारी, सगळे डायरेक्टर्स देखील उपस्थित होते। नागपूरमध्ये ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा आमच्याकडे एकूण 2272 तक्रारी या प्राप्त झालेल्या होत्या। त्यातल्या 1617 तक्रारी आम्ही आज निकाली लावलेल्या आहेत। आमच्याकडे 342 प्रलंबित आहेत, त्याला काही विविध कारणं आहेत। काही मंडळींची कागदपत्र अपूर्ण आहेत, काही प्रस्ताव हे विद्यापीठाकडनं शासनाकडे आलेले नाहीत, काही जॉईंट डायरेक्टरकडनं शासनाकडे आलेले नाहीत, काही डायरेक्टरकडनं शासनाकडे आलेले नाहीत, अशा पद्धतीचे 342 प्रस्ताव आहेत। 302 प्रस्तावामध्ये त्रुटी आहेत। शिक्षा मंत्री सामंत का जनता दरबार शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे से शहर के सिविल लाइन स्थित देशपांडे सभागृह में आयोजित किया गया था, जिसमें नागपुर विश्वविद्यालय और रामटेक स्थित संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों व संबंधित वर्गों की शिकायत पर सुनवाई की गई। शिक्षा मंत्री का दावा है कि उन्होंने शुक्रवार को कुल 2272 आवेदनों में से 1617 आवेदनों पर सकारात्मक फैसले लिए हैं, जिसमें पेंशन, चिकित्सा प्रतिपूर्वी, अनुकंपा नियुक्ति, सातवां वेतन आयोग से जुड़े फैसले शामिल थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।